खास करके त्योहारों के मौसम में ट्रैफिक वॉल्यूम रोड पे बढ़ जाता है, और इसको ध्यान में रखते हुए जो रूटीन जो ट्रैफिक कंजेशन पॉइंट्स हैं वो खास करके वैसे स्ट्रेचेस जहां की ज़्यादा व्हीकल के होने की आशंका है वो, और खास करके त्योहार को ध्यान में रखते हुए जो मार्केट और मार्केट से रिलेटेड या कई जगह मेला लगा होता है, तो उन सब जगहों पर जहां पर कि ज़्यादा ट्रैफिक वॉल्यूम होगा, इसको ध्यान में रखते हुए वहां पर बेटर ट्रैफिक रेगुलेशन के लिए जो मैक्सिमम ट्रैफिक स्टाफ ऑन ग्राउंड उतारे जा रहे हैं, और इसके साथ ही जो असाइंड ट्रैफिक स्टाफ हैं ही, इसके अलावा और भी वैसे जो ट्रैफिक यूनिट के स्टाफ जो अदरवाइज नॉन फील्ड ड्यूटीज में सपोर्टिंग स्टाफ के रूप में रहते हैं, उनको भी वो काम बंद करके ट्रैफिक रेगुलेशन फैसिलिटेशन के लिए रोड पे उतारा गया है। और साथ ही लोगों से भी अपील की गई है कि जो ट्रैफिक रूल्स रेगुलेशंस खासतौर के जो लेन ड्राइविंग है उसको फॉलो करें अगर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वॉल्यूम होता है तो, ताकि वो जो ट्रैफिक है वो चलता रहे, इधर उधर जाने से या लेन बदलने से या यू टर्न लेने से या कोई ऐसी चीजें करने से किसी तरह का ब्लॉकेड ना हो, तो बेटर रेगुलेशन एंड फैसिलिटेशन का फोकस होगा एंड बेटर फील्ड प्रेजेंस का। को लेकर जो आम आदमी है उसको किस तरीके की सावधानी रखनी चाहिए इन दिनों में? देखिए, मीडिया के जरिए तो सबसे पहले मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि दिल्ली पुलिस एंड दिल्ली ट्रैफिक पुलिस इज कमिटेड फॉर बेटर एंड बेटर पब्लिक सर्विस डिलीवरी, और इसके लिए जो ट्रैफिक के जो नियम कानून हैं और खास करके जो ट्रैफिक स्टाफ रेगुलेशन या फैसिलिटेशन के लिए फील्ड में मौजूद है उसको माने, उसमें सहयोग दें, और अगर कहीं कोई ऐसी बात होती हो तो उसकी आप सूचना भी दे सकते हैं 100 नंबर पर, या ट्रैफिक कंट्रोल को भी कॉल कर सकते हैं, और ट्रैफिक लेन जो है उसको फॉलो करें, ट्रैफिक के नियम को तोड़े नहीं। तो उससे क्या होगा कि जो अगर वॉल्यूम कहीं ज़्यादा होता भी है तो भी वो जो ट्रैफिक का मूवमेंट वो रहेगा और बेटर तरीके से रेगुलेट एंड फैसिलिटेट होगा।